हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ग्रूफाईव इन दिस लेक्चर 6.2 वी विल फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फेरिकल मास बट बाय यूजिंग घोसलो हम न्यूटन स्लो का यूज करके भी ड्राइव कर सकते हैं लेकिन जब हम स्फेरिकल सेल का ड्राइव करेंगे तो वहां पर हम न्यूटन स्लो अप्लाई कर लेंगे सो so, उसका हम घोसलो से किसी भी स्ट्रक्चर का हम घोसलो और न्यूटन स्लो दोनों से कैलकुलेट कर सकते हैं हम सोलिड स्फेयर का घोसलो से ड्राइव करके दिखा देंगे और होलो स्फेरिकल सेल का न्यूटन स्लो से सो so, हम एक सोलिड ले स्पेयर ले लेते हैं यहां पर सपोज इसका जो मास है दैट इज कैपिटल एम एंड इट्स रेडियस इज कैपिटल आर अब इसके किसी आउटसाइड पॉइंट सरफेस पॉइंट और इन साइड पॉइंट के लिए हमें ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करना है सो so, एक एक करके केस ले, ले लेते हैं सबसे पहले हम ले, ले लेते हैं आउटसाइड पॉइंट सपोज ये पॉइंट पी है जहां पर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करना है इसकी सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल आर तो सबसे पहला केस एट आउटसाइड पॉइंट सो फॉर इट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट विल बी ग्रेटर देन द रेडियस सो अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या अप्लाई करना है गोसलो अब गोसलो अप्लाई करने के लिए हमें क्या चाहिए क्लोज सरफेस तो क्लोज सरफेस कैसे लेंगे सिमेट्रिक तो सिमेट्रिक कैसी हो जाएगी इसके रेस्पेक्ट में स्फेरिकल सो so क्या होता है घोसलो ई डॉट डी एस इक्वल टू माइनस फोर पाई जी एम ये क्या होता है मास इन साइड द सरफेस जो हम क्लोज सरफेस लेंगे टू अप्लाई घोसलो अब ई e और डी एस की डायरेक्शन चाहिए हमें पहले अप्लाई करने के लिए सो ग्रेविटेशनल फील्ड सपोज इसका इस डायरेक्शन में रेडियल डायरेक्शन में अगर पॉजिटिव आ गया तो इसी इस डायरेक्शन में होगा और निगेटिव आ गया तो अपोजिट और एरिया वेक्टर जो होता है क्लोज सरफेस का वो होता है आउटसाइड सो एंगल कितना हो गया यहां पर जीरो डिग्री ओके सो अप्लाई डीएस e cos जीरो इक्वल टू माइनस फोर पाई जी इस सरफेस के अंदर टोटल मास कितना है M. सो so, ये रख दिया हमने E कॉन्स्टेंट है क्योंकि इस सारे के सारे पॉइंट इस सरफेस के सेम डिस्टेंस पर है R स्मॉल सो so, E कॉन्स्टेंट इट विल बी आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रेशन साइन डी एस इक्वल टू माइनस फोर पाई जी एम क्या है टोटल एरिया ऑफ द सरफेस एट विच वी अप्लाइड द गोस्लो सो इसका एरिया कितना होगा फोर पाई आर स्क्वायर माइनस फोर पाई जी एम फोर पाई से फोर पाई कैंसिल सो ई कम्स आउट टू बी माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर सो यहां से पता चलता है जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो किसके प्रोपोर्शनल है वन अपॉन आर स्क्वायर के नाउ सेकेंड एट सरफेस सरफेस के लिए आर इक्वल टू क्या है आर सो so, यहां से आ जाएगा ई इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर अब हम कैलकुलेट करेंगे इन साइड पॉइंट के लिए नाउ केस थ्री एट एन इन साइड पॉइंट सो आर विल बी लेस देन रेडियस सो एक पॉइंट ले लिया हम पी इसकी डिस्टेंस सेंटर से स्मॉल आर सो अब गोशियन सरफेस इसके लिए ड्रॉ करेंगे एक पी पॉइंट से पास करते हुए सो so, इसके अंदर टोटल मास चाहिए हमें अप्लाई करने के लिए सो अप्लाई लो ई डॉट डी एस इक्वल टू माइनस फोर पाई जी एम इन साइड सो ई और डी एस में वही एंगल कितना जीरो सो यह आ जाएगा ई डी एस माइनस फोर पाई जी मास इन साइड सो कैसे निकालेंगे टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम इक्वल टू इसका मास एम इसका वॉल्यूम फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब दिस इज द डेंसिटी सो यहां से आ जाएगा एम स्मॉल इक्वल टू एम आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब पुट हेयर एम आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब ई एंड दिस इज द टोटल एरिया ऑफ द सरफ़ेस दिस इज़ पाई आर स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर पाई जी एम आर क्यूब अपॉन कैपिटल फोर पाई से फोर पाई आर स्क्वायर से ये कैंसिल सो ई कम्स आउट टू बी माइनस जी एम अपॉन आर क्यूब इंटू आर सो यहां से पता चलता है ई e किसके प्रोपोर्शनल है आर के सो एट सेंटर आर इक्वल टू जीरो सो ई कम्स आउट टू बी जीरो अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं द वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड विद डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर सो ये डिस्टेंस ये ग्रेविटेशनल फील्ड ये सपोज सेंटर आर इक्वल टू जीरो एंड दिस इज आर इक्वल टू आर सो इट इज सरफेस पॉइंट सो सेंटर से लेके सरफेस तक ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे वेरी कर रहा है प्रपोर्सनल टू डिस्टेंस तो ग्राफ कैसे आएगा लीनियर ई प्रोपोर्शनल टू आर फिर इसके बाद ग्राफ कैसे वेरी करता है ई प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर स्क्वायर सो ऐसे हो जाएगा इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर बाय यूजिंग गोस्लो और बाय यूजिंग रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल